सरदार भगवंत मान जी अपनी बच्चे पधारी चुकिया थे। पंजाब ना लोक लाडीला मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी अपनी वच्चे पधारी चुकिया छे। थोड़ा आगे कर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आगे करो। बस 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 बस, इनकलाब, भारत माता की वंदे। मांडवी इलाके के सत्कार योग बुजुर्ग, युवा साथी, माए बहने, इतनी भारी गिनती में आप लोग अपने घरों से और दुकानों से बाहर आए हैं, ये इस बात का संकेत है कि गुजरात 1 तारीख को और 5 तारीख को नई कहानी लिखने वाला है। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं भारी भरकम भीड़ आ रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग हमें कहते हैं 27 साल पुरानी चक्की से पीछा छुड़वा दो, हम कहते हैं जी ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तो फिर बदलना चाहिए ना, बदल चाहिए ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई साहब। कोई स्कूल अच्छा नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सड़क नहीं है। सड़क पे आया हूं मैं अभी, मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। आप लोगों को लावारिस छोड़ दिया। मैं ऐसे ऐसे कस्बे में गया, मैं खेड ब्रह्मा गया, मैं जैतपुर गया, सुरेंद्र नगर गया, मैं आज भी बहुत दूर से आ रहा हूं और लोग क्या कह रहे हैं। मैंने एक लड़के से पूछा यहां विधायक कौन है, कहते जी भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया आपके पास, कहते जी जीतने की बात छोड़ो, वोट मांगने भी नहीं आते, वोट मांगने भी नहीं आते। इतने लावर दिया है पब्लिक को, इतना अहंकार हो गया इनको। तो इस बार नया, ये कह रहे हैं ना डबल इंजन, डबल इंजन की जरूरत नहीं, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। केजरीवाल मॉडल फराटे से चलता है, इलेक्ट्रिक इंजन है, ये दूसरे कोयले वाले अब पुराने हो गए भाई साहब। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अच्छे स्कूल बनेंगे, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के अफसर बनेंगे, नीट क्लियर करेंगे, MBBS करेंगे, वकील बनेंगे, फिर वो आपके घर की गरीबी खत्म करेंगे भाई साहब। यही तरीका है शिक्षा।
बनेंगे, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिल्कुल फ्री है। पंजाब में हमने वादा किया था 1 जुलाई से बिजली फ्री कर देंगे, 1 जुलाई से बिजली फ्री करके आया हूँ। 74 लाख घरों में से 60 लाख के करीब घरों को जीरो बिल आता है भाई साहब। जब हम इनके घरों के सामने जाते हैं, नेताओं के घरों के सामने, हमारे मंत्रियों के घरों के सामने, उनके कोई काम होता है, बच्चे को नौकरी दे दो, सीवरेज का प्रबंध कर दो, गांव में सड़क नहीं है, वगैरह वगैरह, तो आप बता दीजिए सच्चे दिल से, इनके घर का दरवाजा खुलता है? नहीं खुलता ना। दरवाजे के साथ ही एक छोटी सी विंडो होती है, वो खोल के पीए बता दे देता है, साहब है नहीं अगले बुधवार को आना, बंद, कुंडी बंद। मांडवी वालों, अब बदला लेने का समय आ गया है। अब ये आपके घरों, भाजपा कांग्रेस वाले आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, दरवाजा मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद ही आना, ताकि इनको भी पता चले कि किसी दर्द से खाली जाने का दर्द क्या होता है। पांचवें नंबर पर साइना बहन का जो निशान है, जो बटन है मशीन में, वो पांचवें नंबर पर है। पांचवें नंबर पर ऊपर से गिन लेना, मशीन में पांचवें नंबर पर है, पर जमीन में 1 नंबर पे आना है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक युवा मिला लड़का, मैं बातें करता रहता हूँ, मैं जाते जाते जब जहाँ खड़े हैं कोई, मैं रोक लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि मैं वो वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि जनता को लाठी चार्ज करके दौड़ा दो ये जा रही है गाड़ी। मैं उनको बुला लेता हूँ, बातें करता हूँ। एक लड़के ने कहा, बहुत इंटेलिजेंट हूँ सर, पढ़ाई बहुत करता हूँ, बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, घर की गरीबी खत्म कर सकता हूँ, मैं 12-12 बजे रात तक पढ़ता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के फिर पढ़ता हूँ, 5 पेपर में बैठ चुका हूँ, लेकिन सर क्या करूँ, अब पढ़ने को दिल नहीं करता, 5 के 5 पेपर फूट गए, पेपर लीक हो गए, कहते जी उतने पैसे नहीं है कि पेपर खरीद सके। अरे यार, आम लोगों को पढ़ाई के बेस पर भी आगे जाने की इजाजत नहीं है, ये कहते हैं आप यहीं रहो, आप यहीं गरीबी में ही रहो, हमारे हाथ जोड़ते रहो, ये चाहते हैं नेता लोग, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। किसी नदिया के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। शुक्र है गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं, ये समझ लेना बस। पैसा आपका ही है सारा, आपका लूटा हुआ माल है। देखो हमारे पास तो पैसे है नहीं भाई साहब, हम तो ईमानदार पार्टी है, पारदर्शी तरीके से काम करती है, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन ईमानदारी है हमारे पास, सच्चाई है। मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आने वाले, मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये पता है 8 दिसंबर को इस समय केजरीवाल के सच्चे दिन आने वाले हैं। मुझे तो ये पैसे लेके आएंगे आपके पास, आपका लूटा हुआ माल आपको आएंगे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है मांडवी वालों, मना मत करना, लक्ष्मी घर आए तो वापस नहीं करते, आप ही का माल है। इनको बोल देना कि हाँ, और वोटिंग वाले दिन 5 नंबर का बटन दबा के कर देना कि हाँ, जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। क्या समझदार लड़का है, सब समझ गए। ऐसे करते हैं हमारे साथ, ये हमें बिकाऊ समझते हैं, और बिकाऊ कौन है, बिकाऊ ये खुद हैं। कांग्रेस वाला विधायक कोई जीत गया यहां से, पहला फोन भाजपा को करेगा, कितने पैसे दोगे, आपकी तरफ आ जाऊंगा। कांग्रेस कोमा में चली गई है,
कांग्रेस की हालत 90 साल के बुजुर्ग की तरह है, जिसके घर वालों को डॉक्टर भी कह देते।